नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव सिरसा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिला साहब में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भारी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया। इस अवसर पर अटूट लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। इतिहासकारों के अनुसार गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी पर सिरसा में करीब 4 महीने बिताए थे। इस दौरान उन्होंने 40 दिन का चिला रख उपवास किया था। माना जाता है कि उन दिनों आयोजित मेले में मुस्लिम बाबुओं द्वारा ताबीज या झाड़ फूक से बीमारी के इलाज का दावा करते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तपस्या कर इन मुसलमानों को उपखंडवाद से दूर कर अध्यात्म की राह दिखाई थी। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ बठिंडा होते हुए सिरसा पहुँचे थे और आज उसी जगह ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिला साहिब बना हुआ है। गुरुद्वारा चिला साहिब में मत्था टेकने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों का आदर करते हुए समाज को एक अच्छी राह दिखाई थी और उनकी शिक्षा किरत करो और वर्ण छको, यानी सब मानव जाति अपना अपना काम करते हुए सब मिलजुल कर रहो और पखंडवाद से दूर रहने की शिक्षा भी उन्हीं से मिलती है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। आज श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल जो उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी जनता आ रही है और संगत आ रही है और यहाँ इस चिला साहब गुरुद्वारे का एक विशेष महत्व है। श्री गुरु नानक देव जी यहाँ 40 दिन तपस्या की और उसके बाद ये चिला साहब गुरुद्वारा बनाया। बड़ी दूर दूर से संगत आ रही है, बड़ी श्रद्धा से मत्था टेक रहे हैं और आज का दिन जो बाबा नानक जी के गुरुद्वारे में मत्था टेका उनकी सभी मनोकामना पूरी हुई। मैं जनता को बहुत बहुत गुरुकुल की बधाई देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब जगत गुरु सन, उन्हें सारी दुनिया के भले वास्ते अपने जीवन में 4 उदासियां कीतियां। साहब का जिहड़ा पहला उपदेश मनुखता के भले लई सी, वो किरत करो, नाम जपो, वंड छको। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने हर धर्म के लोगों, हर खिते के लोगों, हर किते के लोगों जा जा के उन्होंने जीवन में भरमां विचों कढ के, पखंड की जिंदगी विचों कढ के उन्होंने धर्म नाल जोड़िया, उन्हों का भला किया।